हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है आप अगर पीएचपी प्रोग्राम पीएचपी का कोड लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या क्या, किस तरीके का इन्वायरमेंट होगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरीके का आपका होगा पीएचपी के लिए, उस विषय में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, वो आपके पास एक कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, जाहिर सी बात है। वैसे आजकल मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे आ गए हैं, मगर फिर भी हम लोग पीसी को लेकर चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो चलेगा, आपका विंडोज़ हो तो भी चलेगा, लिनक्स हो तो भी चलेगा, मैक हो तो भी चलेगा, बिकॉज पीएचपी जो है सभी में अवेलेबल है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन में देखा था। वेब सर्वर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज हम लोग अपने एप्लीकेशन को लोकल होस्ट में रन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्वर इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, एग्जाम चूज कर सकते हैं, वैम चूज कर सकते हैं, मैम चूज कर सकते हैं, या फिर लिनक्स के लिए लैम्प आता है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैम जो मैक के लिए है, तो मैक के लिए चुकी है, तो मैम्प फ्री है, आई थिंक मैम्प फ्री है, मैम्प प्रो एक आता है जो कि मे बी पेड वर्सन है। ठीक है, मैक के बारे में मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता, बिकॉज मैं मैक यूज़ नहीं करता हूँ इसीलिए। ओके, देन एडिटर और आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। आप एडिटर कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली विंडोज़ में जो साथ में आता है नोटपैड सिंपल सा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो आईडीई यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेट बिन से, ई क्लिप से, या फिर आप ब्रैकेट्स जैसे एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबलाइम टेक्स्ट भी काफ़ी फेमस है एडिटर। तो इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं यूज़ करने के लिए, उनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। आजकल वीएस कोड बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वीएस कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम लोग भी उसमें देखेंगे, बिकॉज मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम लोग उसमें भी देखेंगे जाकर कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें वहाँ सेटअप की जाती हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कभी। लास्ट जो हमारा जो इसमें आवश्यकता पड़ती है, वो वेब ब्राउज़र की। तो कोई भी वेब ब्राउज़र हो, चाहे गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। यहाँ मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता करने सॉरी मैं किन किन चीज़ों का यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है विंडोज़ 10 प्रो, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। वेब सर्वर के तौर पर मैं XAMPP का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि XAMPP जो है एक पैकेज है, जिसमें कि आपको अपैचे, MariaDB, PHP और पर्ल, इन सभी चीज़ों को एक जगह करके, यानी कि एक पैकेज बनाकर दे दिया जाता है। जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपैचे सर्वर, DB, PHP और पर्ल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आप चाहें तो इनकी साइट पर जाकर प्रॉपर एक एक करके इनको डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं सेपरेटली, यानी कि टॉमकैट के सर्वर में, टॉमकैट के साइट में जाइए, वहाँ से अपाची सर्वर को डाउनलोड कर लीजिए, डीबी के साइट में जाइए, वहाँ से MySQL डाउनलोड कर लीजिए, पीएचपी के साइट में जाइए, वहाँ से पीएचपी को डाउनलोड कर लीजिए, पर्ल के साइट में जाइए, पर्ल का डाउनलोड कर लीजिए और उनको इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन XAMPP क्या करता है, हमें एक पैकेज बना कर दे देता है कि जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है लीजिए, मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप सिंपली इसको इंस्टॉल कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो हम लोग XAMPP का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। उसी तरीके से आप वैम्प भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वैम्प भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, ये सारी क्या पैकेजेस हैं। XAMPP जो होता है वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल, यानी कि XAMPP जो है वो आपको विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा और मैक के लिए भी मिल जाएगा। वैम्प सिर्फ विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, मैम्प मैक के लिए, और आई थिंक आपको विंडोज़ के लिए, मुझे प्रॉपर से याद नहीं है, मे बी विंडोज़ के लिए या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक के लिए तो है ही। और लैम्प जो होता है वह लिनक्स के लिए। ठीक है, तो XAMPP मैं यहाँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी डाउनलोड करके अपने हिसाब से, यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सभी के लिए होगा। ओके, तो मैं विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करने वाला हूँ, देन XAMPP सर्वर यूज़ करने वाला हूँ, IDE मेरा नेट बिन्स होगा, ब्रैकेट्स होगा, ई क्लिप्स होगा और VS कोड होगा। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, तीन चार एडिटर या IDE इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ों में मतलब कंफर्ट फील हो, तो जो भी आपको इंडस्ट्री में जिसमें भी आपको काम करने का मौका मिले तो आप आसानी से कर सकें। तो सभी को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे आप इसको फ्रेंडली बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं तीन चार चीज़ों का तीन चार एडिटर या IDE का इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम में यूज़ करूँगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर फायरफॉक्स भी इस्तेमाल कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज
लेकिन मेनली हमारा जो रहेगा वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं इस PHP के पूरे सीरीज़ में, तो इन सभी चीज़ों को आप जमा कर लीजिए एक जगह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।